हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। वेलकम टू परीक्षा चौपाल। कंप्लीट वन ईयर करंट अफेयर्स सीरीज़ के जून 2019 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। ये उसका पार्ट टू है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है। विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट एज लिविंग एंटिटीज़। कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में जंगलों को एक जीवंत इकाई के रूप में पहचाना है या उसकी पहचान की है। ऑप्शन दे रखे हैं होंडुरस, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। अब इसका आंसर है सी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने हाल ही फॉरेस्ट को एक लिविंग एंटिटी के तौर पे पहचाना है। इससे उसके सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जंगलों को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। और मुझे लगता है कि सिर्फ एल सल्वाडोर नहीं, पूरे विश्व को ऐसा करना चाहिए। इससे सिर्फ पर्यावरण का ही फ़ायदा नहीं है, हम सभी मानव जाति का भी फ़ायदा है। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1960 से अब तक लगभग 85% जो नेटिव फॉरेस्ट है एल सल्वाडोर का, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है। जितने कंट्रीज ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको, वो एक बार देख लेते हैं कि उनका लोकेशन कहाँ पे है। ये जितने भी आपको कंट्रीज दे रखे हैं, जैसे होंडुरस, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये सारे नॉर्थ अमेरिका के कंट्री हैं। देख लेते हैं इनका लोकेशन कहाँ है मैप में एक बार। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये देखिए, यहाँ पे होंडुरस है, ये हो गया एल सल्वाडोर, ये हो गया निकारागुआ, ये हो गया कोस्टा रिका। तो ये आपको याद रहेगा कि ये जितने भी कंट्रीज़ के नाम लिए हमने, ये सारे कहाँ हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है वाइट स्टेम बोरर। वाइट स्टेम बोरर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, नॉर्मली अटैक्स विच क्रॉप। अब ये वाइट स्टेम बोरर एक इंसेक्ट है, वो कौन से इन चारों ऑप्शंस में दे रखे हैं कि सुगर केन, वीट, कॉफ़ी, पैडी, इन चारों ऑप्शंस में से किस क्रॉप को ये मोस्टली अटैक करते हैं। तो इसका आंसर है कॉफ़ी। ये वाइट स्टेम बोरर क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। स्टेम मतलब क्या होता है, तना। बोरर मतलब क्या होता है, ड्रिल करना या बोर करना या होल करना। तो मान लीजिए ये कॉफ़ी का प्लांट है, ठीक है, ये कॉफ़ी प्लांट है, ये इसका क्या हो गया, स्टेम हो गया, तना हो गया। ये वाइट स्टेम बोरर क्या करता है कि इसके तने को ड्रिल कर देता है, होल कर देता है तने में, जिसके वजह से क्या होता है कि कॉफ़ी का प्लांट जो है वो सूख जाता है और फाइनली क्रॉप का लॉस हो जाता है। साउथ इंडिया में, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लगभग जितने भी कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है, जैसे कॉफ़ी साउथ इंडिया में दो तरीके का होता है, एक अरेबिका कॉफ़ी होता है, एक रोबस्टा कॉफ़ी होता है, तो इनमें से अरेबिका कॉफ़ी का लगभग 90% जो है वो क्रॉप लॉस हो जाता है इस वाइट स्टेम बोरर के वजह से। अब हम देख लेते हैं कैसा होता है। ये है आपका वाइट स्टेम बोरर, ये ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर वाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है ज़ाइलोट्रेकस क्वाड्रिपस, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है कि वेम्पनाड लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ऑप्शन दे रखे हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केरल। वेम्पनाड लेक जो है वो केरल में है। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, और कहें तो ये केरल का लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। इसको मैप में हम एक बार देख लेते हैं कि मैप में ये है केरला आपका, ठीक है, ये केरल हो गया। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये वेम्पनाड लेक है। वेम्पनाड लेक की एक और ख़ास बात है कि हर साल जो है यहाँ पे एक बोट रेस होता है, जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान इज। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेट ऑफ बैबल मैंडब, डार्डनलीज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड जिब्राल्टर स्ट्रेट। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कीजिए और फिर बताइए। अब जो स्ट्रेट होता क्या है, पहले आप ये देखिए स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट क्या होता है कि एक ऐसा नैरो सी जो दो बड़े सीज को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इसको हिंदी में जल डमरू या जल संधि भी कहते हैं। जैसे इसका शेप ऐसे हो जाएगा, ये मान लीजिए एक सी हो गया, ये हो गया दूसरा सी, और ये क्या करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। ये दो बड़े सीज को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट कहलाएगा। अब देखते हैं कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान क्या है मैप में।
ठीक है, ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पे क्या है, ये ओमान है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ओमान है, ये हो गया ईरान। इसके बीच में ये देखिए पर्शियन गल्फ, और इसको कनेक्ट कौन सा कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ये नैरो स्ट्रेट, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट, ठीक है। ये बड़ा सा एक पर्शियन गल्फ, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट, नैरो बैंड है, तो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो सीज या दो गल्फ को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मैंडेब, बैबल मैंडेब, डैनलिस, जिब्राल्टर, ये हम किसी दूसरे वीडियो में सारे स्ट्रेट्स एक बार कर लेंगे वर्ल्ड के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है। अब ये इसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए। अब पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है कि इट इज़ ए मल्टी लेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन। अब कन्वेंशनल वेपन क्या होता है, कन्वेंशनल वेपन वो होता है जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता है, जैसे गन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स, ठीक है। और अनकन्वेंशनल वेपन कहेगा इसका मतलब वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, जैसे एटम बॉम्ब, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि द ट्रीटी वॉज निगोशिएटेड अंडर ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है कि इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक सेल एंड यूज़ ऑफ वेपन इन एनी कंट्री, ठीक है। अब इसमें ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है वो कब स्टार्ट हुआ, कब साइन हुआ, वो हुआ 2013 में, ठीक है, फोर्स्ड हुआ 2014 में। अब देखिए इट इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन, यस बिल्कुल सही बात है, ये कन्वेंशनल वेपन के लिए ही बनाया गया था। दूसरा, ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड अंडर ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक सेल एंड यूज़ ऑफ वेपन इन एनी कंट्री, नहीं, डोमेस्टिक सेल के लिए ये ट्रीटी नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक सेल के लिए कंट्री की अपनी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका सेल एंड परचेज या यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें वन और टू करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी, ठीक है। सवाल ये है कि क्या इंडिया आर्म्स ट्रेड ट्रीटी साइन किया है, तो जी बिल्कुल नहीं, इंडिया ने ना तो साइन किया है ना रेटिफाई किया है। और इसलिए ये न्यूज़ में भी था क्योंकि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, उसने साइन तो किया बट उसने रेटिफाई नहीं किया है इस ट्रीटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FATF। अब इसमें भी लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए इसका। ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें पहला ऑप्शन है कि FATF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय G7 समिट दैट वाज हेल्ड इन पेरिस इन 1989, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। FATF एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1989 के पेरिस समिट में, G7 का पेरिस समिट था, उसमें एस्टैब्लिश किया गया था। FATF इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, बिल्कुल सही बात है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। बेसिकली FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स को कॉम्बैट करता है। फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, और अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या है, इफ़ ए कंट्री इज प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF इट वुड बिकम ईजियर टू टैप इंटरनेशनल लोन्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या बोल रहा है कि अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में अगर प्लेस कर दिया जाए तो इट वुड बिकम ईजियर टू टैप इंटरनेशनल लोन्स। अब इसमें दो तरह के FATF के अंदर लिस्ट होते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम कर दिया, सपोज किसी कंट्री में टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो FATF क्या करेगा कि उसको वार्न करेगा एक बार कि आपके यहाँ टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, आप उसको ख़त्म कीजिए या कम कीजिए।
तो वार्निंग जब दिया जाता है किसी कंट्री को, तो उस टाइम पे उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। फिर बाद में मॉनिटरिंग किया जाता है कि क्या टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कम हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है, तो फिर ग्रे लिस्ट से चेंज करके उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है। तो जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइम होता है किसी कंट्री के द्वारा, जैसे टेरर फाइनेंसिंग, तो उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक है, से लोन लेने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा था कि इफ़ ए कंट्री इज़ प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, इट वुड बिकम इजियर, इजियर नहीं, ये हार्डर हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक से इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता है जब आप FATF के ग्रे लिस्ट में हो जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, ग्रे लिस्ट में हाँ मिलता है पर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन में जो इजियर वर्ड दे रखा है, ये कीवर्ड है जो गलत है। यहाँ पे हार्डर होना चाहिए क्योंकि मुश्किल से मिल रहा है लोन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट करेक्ट है। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड इनकरेक्ट है, तो आंसर इज सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। इसमें भी ऑप्शंस, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। अगर लॉन्ग स्टेटमेंट देता है तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि उसमें कीवर्ड क्या है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, वो लिखा है कि 5G इज़ द नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विथ हाई लेटेंसी। अब आपको पता होना चाहिए कि हाई लेटेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, देखेंगे अभी बाद में, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, वो दे रखा है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए 3 ईयर प्रोग्राम दैट स्टार्टेड इन 2018 टू एडवांस इनोवेशन एंड रिसर्च इन 5G। थर्ड ऑप्शन है, वंस 5G बिकम्स कमर्शियल यूजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज देयर डिवाइसेस इन फेवर ऑफ 5G इनेबल्ड वंस। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके हिसाब से हमें मोबाइल अपना इनेबल्ड देखना पड़ता है। जैसे पहले 3G की मोबाइल आती थी तो 4G नहीं चलता था, तो उसके लिए 4G इनेबल्ड डिवाइस आने लगे। 5G आएगा तो 5G इनेबल्ड डिवाइस चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द 3 ईयर प्रोग्राम दैट स्टार्टेड इन 2018 टू एडवांस इनोवेशन एंड रिसर्च इन 5G। बिल्कुल सही बात है, 2018 में सरकार ने 3 साल का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 5G में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 5G इज़ द नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विथ हाई लेटेंसी। अब ये लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी बेसिकली होता है कि द टाइम टेकन बाय द डेटा टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब कि जितना फास्टर होगा, अब आप बताओ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, जैसे 2G से 3G से 4G से 5G, वैसे वैसे क्या होता है, जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब हाई लेटेंसी का मतलब होता है ज़्यादा समय लेना डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में। अब आप बताओ कि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो हाई लेटेंसी कैसे हो सकता है, और कम होना चाहिए ना, लो लेटेंसी होना चाहिए ना, कम समय में डेटा हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब पहले ऑप्शन में ट्रैप था कि हाई लेटेंसी दे रखा है। हाई लेटेंसी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो कम समय में हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? फिर थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट प्रोटोन थेरेपी सेंटर इज इस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शंस दे रखे हैं चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। तो इंडिया का फर्स्ट प्रोटोन थेरेपी सेंटर कहाँ पे बना है? तो आंसर है इसका चेन्नई। अब ये प्रोटोन थेरेपी सेंटर क्या है? प्रोटोन थेरेपी सेंटर बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, 150 बेड्स का एक ये डेडिकेटेड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ पे प्रोटोन थेरेपी यूज की जाएगी कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये बेसिकली साउथ एशिया का पहला ऐसा थेरेपी सेंटर होगा जो चेन्नई में बन रहा है। ठीक है, ये अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स बना रही है इसको। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाइवल इंटरनेशनल।
Survival International sometimes in the news is a movement that advocates the rights of our options दे रखा है refugee, leprosy patients, tribal people, trafficked human being. तो Survival International basically एक movement है जो कि advocates करता है किसका rights of tribal people, जो tribal हैं उनके rights को protect करता है, उनके lives को defend करता है और उनके फ्यूचर को डिटरमिन करता है. तो याद रहेगा सर्वाइवल इंटरनेशनल किसके लिए है. सर्वाइवल इंटरनेशनल इज़ बेसिकली मूवमेंट दैट एडवोकेट्स द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ऑपरेशन सनराइज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू. अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी. It is a joint operation carried out by both Indian and Myanmar armies to wipe out the insurgent camps. Basically, Operation Sunrise जो है वो India और Myanmar armies के द्वारा एक operation चलाया जा रहा है जिसमें insurgent जो groups हैं उनके camps को destroy किया जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.